नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मीडिया दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरी तरह से एक्सपोज करने वाला हूं कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया और उसके बाद एक साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर से उनके कमरे में से सबूत को मिटा दिया गया जी हां आपको बता दें कि पूरी दुनिया जानती है कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया है सुशांत सिंह राजपूत इतना आसानी से अपने आप को खुद को खत्म करने वाले नहीं थे लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के बाद उनके साथ एक बड़ी साजिश रची गई जी हाँ सुशांत सिंह राजपूत

की वी सेप का था लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई इंसान रस्सी से लटक कर अपने आप को खत्म करता है तो उसके गले पर यू आकार की आकृति बनती है ना कि वी वी की की और और सुशांत सिंह राजपूत के गले पर आकृति थी यह काम दोस्तों कोई छोटा मोटा इंसान नहीं कर सकता बल्कि एक बहुत ही खास और जाने माने मेकअप आर्टिस्ट ही ऐसा काम कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो मेकअप आर्टिस्ट कौन होगा और बॉलीवुड में मेकअप आर्टिस्ट की कितनी वैल्यू है आप सभी को यह भी बहुत अच्छे से पता होगा अब दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी और भी कई तरह के निशान मिले थे जिससे यह पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को खत्म नहीं किया था बल्कि ऐसा लगता है कि उनको खत्म करने से पहले शायद उनको बेहोश भी किया गया था आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर कई सारे इंजेक्शन के निशान लगे हुए दिखे थे अब दोस्तों शायद ये मेकअप आर्टिस्ट या तो इन इंजेक्शन के निशान को देख नहीं पाया या फिर वो इनको छुपाना भूल गया और इस वजह से सुशांत की बॉडी पर ये इंजेक्शन के निशान देखे गए और दोस्तों उसके बाद ये साफ हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत को पहले खत्म किया गया और उसके बाद इस तरह से मेकअप किया गया कि पूरी तरह से इसको आत्महत्या की कोशिश की गई ऐसा करार दिया जा सके इतना है क्यों मैं आपको बता दूं कि खबर तो यह भी थी कि सुशांत सिंह राजपूत जब इस दुनिया को अलविदा कह कहकर चले गए तो उसके बाद सबूत मिटाने वाले लोग इतनी बखूबी से अपना काम निभा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर से लेकर के नीचे तक हर एक सबूत को मिटाया गया और इतना ही क्यों आपको बता दें कि जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत थे खबर यह भी थी कि सुशांत सिंह राजपूत के उस कमरे को पूरी तरह से पेंट करने की भी कोशिश की गई थी यानी कि कोशिश किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत के दीवार पर भी कोई निशान ना रह जाए जिससे यह पता चल सके कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था आपको बता दें कि इस केस में रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे और कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे खाए हैं हालांकि ईडी इस केस में जांच कर रही है और पहले भी ईडी ने इस केस में जांच किया था लेकिन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल पाया जिससे कि यह साबित हो सके कि रिया चक्रवर्ती ने यह सब कुछ किया है लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं सीबीआई अभी भी उम्मीद में है कि इस केस में जरूर कोई ना कोई बड़ा खुलासा होगा और उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को किसने खत्म किया कहीं ना कहीं ये तो साफ हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये सब कुछ किया किसने और सुशांत की किससे दुश्मनी थी और कौन ये सब कुछ कर सकता है सीबीआई इसकी जाँच कर रही है तो क्या लगता है आपको आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा कमेंट करके बताना साथ ही ये भी कमेंट करके बताना कि सुशांत सिंह राजपूत क्या सीबीआई पकड़ पाएगी साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद